वेलकम टू शिवीज लिटिल वर्ल्ड। सो आज के वीडियो में मैं आपसे कर्ली गर्ल फ्रेंडली प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि है अनवेया कर्ल्स का कर्ल डिफाइनिंग एंटी फ्रिज हेयर मिस्ट। अब ये कांच की बॉटल है तो मुझे बार बार इसे उठाने में थोड़ा सा डर लग रहा है। इस वीडियो में आपको इस प्रोडक्ट के बारे में और इसका डेमो दोनों मैं देने वाली हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। मैंने आपको दिखाया कि ये कांच की बॉटल आती है और इसके ऊपर जो आउटर पैकेजिंग थी, काफ़ी ध्यान से वो पैकेजिंग करी गई थी जिससे कि इस तरह की बॉटल को कोई नुकसान ना हो। इसके प्राइस की अगर बात करें तो इसका प्राइस है 795 फॉर 100 ml ऑफ प्रोडक्ट। इस वक्त आप मेरे बाल देख सकते हो, काफ़ी फ्रिजी लग रहे हैं शैम्पू कंडीशनर के बाद। अब एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि ज़रा सा शैम्पू अगर ज़्यादा हो जाए ना तो ये हाल हो जाता है, एंड आई थिंक आज मेरे साथ भी यही हुआ है। बिना ऑयल लगे हुए बालों पर मैंने शैम्पू किया है और जो नेचुरल ऑयल था वो भी उड़ चुका है, तो बाल मेरे कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। एक चीज़ और बता देती हूँ डेमो स्टार्ट करने से पहले, कि इस प्रोडक्ट को जब मैंने लिया था तो काफ़ी थॉरो रिसर्च के बाद, रिव्यूज़ के बाद, डेमोज देखने के बाद लिया था, लेकिन जब स्टार्टिंग में यूज़ किया तो मज़ा नहीं आया, रिजल्ट ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने कुछ अपना ही तरीका निकाला और इसे यूज़ में ले लिया और वो काम भी कर रहा है। तो इस बात से यही हमें समझ में आता है कि हर किसी का हेयर टाइप अलग होता है। आप डिफरेंट वीडियोस देखिए, डिफरेंट डेमोज देखिए, स्टाइलिंग देखिए लोग कैसे कर रहे हैं, उसके बाद आप अपने बालों पर उसे ट्राई करो, क्योंकि जो कर्लिंग गर्ल मेथड है ये ट्रायल एंड एरर के बाद ही आप समझ पाते हो कि आपके बालों को क्या सूट कर रहा है। मैं तो आऊँगी बताकर चली जाऊँगी जो मुझे सूट कर रहा है, लेकिन ये आपको फिगर आउट करना है कि आपके बालों के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। इसके इंस्ट्रक्शंस पर लिखा है कि आपको डायरेक्टली इसे अपने रूट्स में स्प्रे करना है और पूरे हेयर शाफ्ट में इसे जाने देना है और ये आपके बालों का फ्रिज हटा देगा, जो कि मेरे साथ नहीं हुआ। बालों में अगर रूट्स में लगाया तो एंड्स तक तो आ ही नहीं पाएगा, तो मुझे रिजल्ट नहीं मिला। अब मैंने क्या किया वो मैं आपको इस डेमो में दिखाती हूँ, तो चलिए देख लेते हैं। तो मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, एक्सपर्ट नहीं, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बालों को हमें गीला कर लेना है, यानी डैम्प कर लेना है। बहुत गीले बालों में मैंने कभी इसे ट्राई नहीं किया, आप चाहें तो कर सकते हैं एक ट्रायल के लिए। तो बालों को अच्छे से स्प्रे बॉटल की मदद से मैंने गीला कर लिया और इस तरह से स्मूदन आउट कर लिया। आपको बालों को सुलझाना नहीं है, फिंगर्स को अपने बालों में नहीं लेकर जाना है, अदरवाइज़ और बुरा हाल हो जाएगा। स्मूदन आउट करने के बाद आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग जितनी क्वान्टिटी आपको चाहिए उतनी क्वान्टिटी आप इसमें ले लीजिए। मैंने यहाँ पर तकरीबन तीन से चार पम्प्स लिया है और उसे अगेन प्रेइंग हैंड्स मोशन में अपने बालों पर लगाया है, जिस तरह से हमने स्मूदन आउट किया था। यहाँ पर आपको कोम यूज़ नहीं करनी है, बिकॉज आई थिंक जितने क्लम्स ऑलरेडी फॉर्म्ड हैं वो सभी ब्रेक हो जाएंगे। तो इस तरह से प्रेइंग हैंड्स मोशन में आप इसे लगा लीजिए। बाल बहुत ज़्यादा गीले नहीं हैं तो बहुत अच्छे से सूख जाएंगे, और बहुत बार स्क्रंच नहीं करना है, सिर्फ एक एक बार आप एक एक डायरेक्शन में स्क्रंच कीजिए और इन बालों को सूखने दीजिए। तो कुछ इस तरह से मैंने इसे अप्लाई किया है। अब इसे ड्राई होने के बाद इसके रिजल्ट्स मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मेरे बाल कम्प्लीटली ड्राई हो गए हैं। ये जो एक्स्ट्रा फ्रिज आप देख रहे हो मेरे बालों में, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि मैंने एक्स्ट्रा शैम्पू यूज़ कर लिया और बस बालों का जो नेचुरल ऑयल था वो भी उड़ चुका है। अदरवाइज़ अगर आप देखोगे जो मैंने मॉर्निंग में वीडियो बनाया था और उसके बाद इस क्लिप में, काफ़ी डिफरेंस है। बहुत अच्छे से क्लम्स फॉर्म हो चुके हैं और बालों में एक डेफिनेशन है कर्ल्स की। तो मैं इसे रोज़ नहीं करती हूँ और रेगुलर नहीं करती हूँ, जब मुझे लगता है कि आज कुछ स्पेशल है, कहीं जाना है, तब उस तरह से मैं कर लेती हूँ, या मेरे वीडियोस के लिए। तो इट डिपेंड्स कि आप कब कब करना चाहते हैं। सो दिस वाज इट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। बाल बांधने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहे थे, सो आई थॉट कि चलो ये भी शूट कर लेते हैं। तो वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल रहा है तो आई एम श्योर और भी लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, बाइंग लिंक है डिस्क्रिप्शन में।